नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड़के इमाम का ब्लॉग में। तो आज है दोस्तों हमारा दूसरा दिन और सवेरे सवेरे उठ गए पप्पा जी। देखिए कितना जल्दी उठे, क्या है नाम पढ़ने वाला लड़का। मैं नहीं मानता। और सवेरे उठ के ये भी तैयार हो गया है दोस्तों, देख रहे हैं। नोट्स हुआ, आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा। नोट्स पर नोट्स पढ़ाई के लिए नोट्स काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। पहले एक बात हम आपको बता देते, देखिए जब आदमी कोई कुछ भी बोल रहा है ना, आपको समझिए दो चीज से बोल रहा होगा। कमल गरोई लग गया, या तो ऑब्जर्वेशन से या तो एक्सपीरियंस। अब आप लोग गेस करके बताइएगा, ये जो हम बोलने वाले हैं मेरा एक्सपीरियंस है या ऑब्जर्वेशन दोस्त। तो सुबह सुबह उठे दोस्तों, उठने के बाद हम सोचे थोड़ा सा ऑफिस चले जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। जाने से पहले पूरा प्रेशर था, लेकिन साला निकलवे नहीं किया। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। सबसे बड़ा टेंशन यही हो जाता है दोस्त, जब आप बैठ तो गए हैं निकला नहीं, तो अब धोए कि नहीं धोए। ऊपर से ठंडी में तो और दिक्कत रहता। दूसरा दोस्तों, आपको जो ई कोई बोल रहा है ना कि हिमालय नेपाल में इंडिया के नॉर्थ, पागल है आप। दिल्ली के जल बोर्ड के ऑफिस नल से पानी निकल रहा, बर्फ निकल रहा, बर्फ। अरे भाई भाई भाई, क्या देख रहे हैं दोस्तों, बकैती करने में साला अभी दूध चले जाता दोस्तों। लेकिन टैलेंटेड है, दूध भी बचा लिया, बकैती भी कर लेते हैं, पूरा कम कर दिए। कम में ना उधर आएगा, बंद ये कर देते, पर बकैती जरूरी है दोस्त, इससे पैसा नहीं आएगा। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. अब तो दोस्तों हम कहाँ थे, हम तो ये बात भूल ही गए। जेनमिली बोलते हैं दोस्तों, एगो हिमालय दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से, बाप रे बाप, नल से पानी निकल रहा है, हिमालय डायरेक्ट सप्लाई एकदम, मतलब लगता है कौन चीज हिमालय को आग से पिघला रहा तब भी भेज रहा है तो बर्फ ही निकल। लेकिन इस बर्फ का सदुपयोग दिल्ली वाला सब बहुत बढ़िया से करता है। दिल्ली में 12 महीना दारू मिलता है, कभी कभी तो एक दो महीना फ्री मिल जाता है। दुकानदार सबसे जाके पूछे, हम लोग का बिजनेस माइनस में रहता है, गर्मी में ना चौंप के गर्मी पड़ता है तो आइस क्यूब बहुत बिकता है। ठंडी में ना क्या, गिलास में पैक नीट डाल आप मिला दो जाके, समझ रहे हैं ना दोस्तों, क्या कि बर्फ तो गिरिए रहा है नल। खैर दोस्तों ये सब बात छोड़िए, सब थोड़ा एडल्ट टॉक हो गया। अब आइए थोड़ा अपना लोग बच्चा वाला बात कर देते हैं। बच्चा वाला बात ये है दोस्तों, देख रहे हैं चाय बनाने आना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा। अभी यही घर पे रहते एग्जाम के लिए, एक तो 6 बजे उठे है सवेरे, 6:30 बजे। मम्मी तो एकदम अभी पुआ मलपुआ सब कुछ बना बना के दे देती कि बेटा मेरा इतना जल्दी उठा है, प्लस एग्जाम ना देने जा रहा है। क्या क्या खाते आज हम दोस्तों घर पे, यहाँ पे साला चाहिए अपने से बनाना पड़ रहा है। खैर दोस्तों ये सब बात छोड़िए, चाय ब्रेड खा के तैयार होके मिलते हैं, जाना है कॉलेज। आज जो है ना आपको पूरा कॉलेज के अंदर का टूर करवाए कि अंदर में कैसे 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 क्या होता है, कैसे करके लोग सब छापता, हम तो सब काम नहीं करते। अच्छा हमको सिखा रही है, मेरा ब्रेन इतना तेज है ना कि हम अपने ही सब कुछ लिख लेते। चलिए दोस्तों कॉलेज जाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बन रहा है अपना चाय, और आज चाय जो है ना हम थाली में पीने का सोचे। अब पूछिए का है दोस्तों, तो इसमें भी थोड़ा विज्ञान है, कप है सारा गंदा, अब बोले ना पानी तो डायरेक्ट हिमालय से आ रहा, लेकिन दुखद बात ये है दोस्तों सारा थाली भी गंदा है, तो अब पियेंगे किस में। अब लगता है कौवा चूरू से पीने ऐसे, लेकिन इसमें ब्रेड कैसे दुबाएगी, दिक्कत तो ही ना। अगर आप लोग के संपर्क में कोई अच्छी कप धोने वाली, सिर्फ कप तो धो दे समझे, कप सुबह सुबह धो दे, ऐसा कोनो है तो हमको मिस कॉल मारिएगा, हम किस दे देंगे। क्या कि पता है मिस कॉल मारा तारो किस दे वो क्या हो। दोस्तों तैयार हो गए हैं, चलिए अब जल्दी से कॉलेज चलते हैं। देखिए पहुंचे खुल के भाग गया हमको छोड़ के, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, छोड़ के भागा है ना, तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। दो चार को मुजरा बना लेते हैं, जो कि आप यहाँ इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। शाबाश बेटा। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली समय का सदुपयोग नहीं कर पाए, ताकि जब मुजरा बनाने गए ना लाज लगने लगा, इसीलिए छोड़ दिया। पैसा बर्बाद। दोस्तों अभी मेट्रो का माहौल इतना मजेदार है ना, कोई किताब से पढ़ रहा है, कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई कोई तो कॉपियों सब लेके चले आया, लिख भी रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है। लेकिन हमको तो जानते हैं कोई टेंशन नहीं, कमर में चिटिंग कोच लिए, आराम से जाना है, खोल के लिख देना, अभी बोल के इतना ऑकवर्ड हो जाएगा, सब देखने लगा कर क्या रहा है। दोस्तों सबका अलग पढ़ाई चल रहा है, ये दोनों कोना में खड़ा होकर अलग ही विज्ञान पढ़ रहा है। ये तो यूपीएससी करके जाएगा आज, यहीं पे प्री मेंस दोनों निकालेगा। दोस्तों अभी मेट्रो से निकले हैं, अब मेट्रो कार्ड को भी यहाँ पे कुछ लोग सब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बना लिया, बोलिए 1216 रुपया बचा हुआ, मेरे मात्र 16 रुपया। यहाँ से कॉलेज जा रहे हैं दोस्तों, अब पिछले बार जब कॉलेज जा रहे थे ना इसी रास्ता से 2 लड़की मिली थी, थार से आई थी एग्जाम देने के लिए, हम देख रहे हैं उस दिन भी पैदल आज भी पैदल। दोस्तों कम से कम सब्सक्राइब मारिए, भिक्की से तो आएंगे अगले बार। अगर आज वो दोनों मिल गई दोस्तों पक्का बोलेंगे एगो राइट देन दीजिए, थार में कभी बैठे बैठे नहीं है, दे दी दोस्तों तब तो मौजे मौजे है, दोस्ती वोस्ती बढ़ेगा। दोस्तों जानते हैं यहाँ वाले एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत ये होता है
माने जब बिहार सहरसा में रहते हैं तो मास्टर साहब के लिए वो पान लेके चले जाते हैं, पान लेके चले जाते हैं, मार के दे देता, या अगर पान से नहीं मांगा तो कप सिरप लेके चले जाते, उसमें तो मान ही जाता। जब दोनों चीज से नहीं मानता तब तो धमकी दे ही देते हैं, सर बैजनाथ पूरे चौक पे जाइएगा, गाड़ी छीन लेंगे, लेते रहिएगा। तो लेकिन यहाँ पे वो सब सिस्टम नहीं ना है दोस्तों, यहाँ पे सब कार से जाता है, कार को छीनेंगे कैसे, पिस्टल अलाउड नहीं ना। दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, थार वाली दीदी अभी तक आई नहीं है, तो आज बात भी नहीं हो पाएगा, या लेट से आएगी पता नहीं, हम तो पहचानते भी नहीं है, बोलेंगे कैसे थार में घुमा दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन क्रिया खा के बोलते हैं दोस्तों, अगर आ जाती ना पक्का हम पूछ देते भैया घुमाइएगा, दीदी घुमाइएगा। दोस्तों आने वक्त एक बार देखेंगे, अगर आने वक्त मिल गई तब तो मजा आ जाएगा, तब पूछ देंगे, जाने वक्त तब तो पक्का घूम लेंगे। देखिए दोस्तों कॉलेज में आगमन हो गया है, यही अपना कॉलेज, यही उस क्लास में देख रहे उसमें हम बैठे हुए। दोस्तों किस्मत में फिर मोटका वाला लग गया, सबसे आगे हमको दिया, अब छापेंगे कैसे, बहुत टेंशन है दोस्तों। देख रहे क्या भैया, आप बताइए ना, इसका शक्ल देख के, इसका शक्ल देख के लग रहा है मेरे से पूछेगा। देख रहे हैं दोस्तों 9 बजे एंट्री है, ये भैया अभी ऊपर पढ़ रहे, भैया कसम से बोल रहे जो अभी पढ़ रहे हैं वो कभी नहीं आता, वही बेर आएगा अभी तू नहीं बनाना है। तो टेंशन हाथ मिलाइए ना, तब इसी सब बात पे तो हाथ मिलाया जाता है। दोस्तों कॉलेज के अंदर घुस गए हैं, ये देख रहे हैं बारहवीं वाला ले लिए हैं पैड, ताकि अगर हम क्यूट ना लगे तो बारहवीं तो लग ही नहीं जाएगी, छोड़ देगा चीटिंग करेंगे तो। कोई सेंस है इस बात की, हमें बहुत लग रही है। दोस्तों क्लास के अंदर घुस गए हैं, क्लास का नजारा कुछ ऐसा नहीं है, और किस्मत देखिए मेरा कितना खराब है, यहाँ पे मास्टर साहब रहेंगे, यहाँ पे हम, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं है, सब समझता होगा पहला बेंच पे बैठ के थोड़े चीटिंग करेगा, हम तो लेकिन करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों रूम नंबर बहुत रंगीन मिला है, 14 हिंदी में 14। दोस्तों ब्लॉक का परंपरा निभाते हुए एक बार लघु शंका कर लेते हैं, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। दोस्तों बाथरूम कितना बड़ा हो लेकिन नल तो नहीं है चल रहा है, पैसा बर्बाद पहन। दोस्तों बहुत ही टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, क्या बात, टेंशन हो रहा है ना, आगे इसका तो कोई टेंशन नहीं, पीछे बैठा वहां पे तो पेंट हो खोल के लिखेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे कलम का ठेपी खोलेंगे आ जाएगा, क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा, बहुत दिक्कत है जीवन में, हम आपको बोलते हैं ना मेरा जीवन जेठालाल बन गया, इसी सब रीजन से बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट ब्रेंच पे कौन देता, सोचिए तो आज फोन खोल के लिखेंगे साला, आज तो चीटो फरा से भी नहीं लिख पाएंगे, क्या बोलेगा, हाँ ये समस्या है। दोस्तों जीवन का कष्ट यहाँ पे खत्म, वहाँ पे थोड़ी था मेरा, वहाँ पे तो बचने का ना चांस था, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ का जादू दिखाते, देखो वहाँ डायरेक्ट गेट से निकलेगा, गेट से घुसेगा डायरेक्ट मेरे पास पहुँचेगा, बाबू कर क्या रहा, टीचर साहब वहाँ से देख ही लेंगे। दोस्तों अभी थोड़ा देर बाद पता चला कि फिर से यहीं पे सीट है, इसके सामने पता नहीं क्या होगा, कहाँ सीट है दोस्तों, टेंशन के मारे तो जान जा रहा है मैं। तो जब तक मास्टर साहब नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे सब सतरंगी शौक पूरा कर लेंगे, फोटो खिंचा खिंचा के देख लीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे। दोस्तों वही सीट मिला है आखिरी में, मास्टर साहब आए बताए गेट के सामने वाला, वहाँ मास्टर साहब रहेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे, चलिए ठीक है, अब एग्जाम के बाद मिलते हैं। दोस्तों यहाँ फोनो अलाउड नहीं है, जा रहे अब नीचे में दे देंगे, मेरे साथ जो आया हुआ है उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम देके मिलते हैं दोस्तों। लेट है आप, यहीं से बता, यहीं से। दोस्तों फ्रंट कैमरा खोलेंगे ताकि बैक से पिंपल दिखता है। दोस्तों 20 मिनट पहले एग्जाम देके निकले हुए, अब बोले ना मेरा किस्मत है जेठालाल जैसे, लेकिन जेठालाल वाला किस्मत में एक चीज बहुत फायदा होता है, कहीं ना कहीं कभी न कभी बबीता जी का स्कोप रहता, लेकिन मेरा उतना बढ़िया किस्मत नहीं, प्योर जेठालाल ने ना, थोड़ा मेरा भी किस्मत है, बबीता जी तो ना, अब बताते हैं मेरे कहानी में करिश्मा क्या हुआ, हम जैसा बताया आपको फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे, तो फर्स्ट बेंच का जो है ना थोड़ा सा हिल रहा, अब हमको मिल गया मौका, हम मारे डायरेक्ट छक्का, पूछिए क्या, हम बोले सर इसमें तो भूकंप आ गया, लिखने ही नहीं हो रहा पूरा, मतलब वो थोड़ा सा हिल रहा था, हम तो उसको तोड़ ही दिए लगभग, हम बोले सर पीछे में बैठा, सर हमको भेज दिए पीछे, उसके बाद खोले न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस, आराम से बैठ के दोस्तों पूरा लिखे, और जब छापना पहला, लेकिन पहला क्वेश्चन अपने से लिखे दोस्तों, फिर उसके बाद आराम से छाप उप लिए, 20 मिनट पहले ये बन गया, लगभग 5 गो को उठा उठा के भगाया, हमारा सिंपल था भाई, आराम से बैठ के छापना, ना ही किसी से बात करना, ना ही कुछ, एग्जाम दे के निकल गए दोस्त। चलिए अब थार वाली लड़की मिलेगी, उसको बोलेंगे थार पे राइड देने के लिए, नहीं मिली तो घर और क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों थार तो मिल गया है, लेकिन थार वाली दीदी नहीं है यहाँ पे,
अब कितना देर वेट करेंगे उनके लिए, रहती तो पूछ लेते गारंटी, लेकिन है ही नहीं, देख सकते पूरा खाली है। खैर अब तो निकल जाना, अब घर की तरफ प्रस्थान कर। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग में यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। दिल का कनेक्शन जोड़ लीजिए, मतलब फेसबुक पे खोलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वाली दीदी नहीं है दोस्तों, ने तो गारंटी पूछ लेते। यहाँ पे स्टिकर चिपका दे, मैं बहुत मारेगी गाड़ी में। थार तो वैसे अपना खरीदवे करेंगे, मेरा पहला गाड़ी तो थारे होगा। आप लोग बस सब्सक्राइब मारिए, देखिए ना।